मेहरबानी करके हमारे यहाँ देखिए हम क्या चाहते हैं हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो खाजा से अपील है वजीरे दाखला से अपील है गवर्नर साहब से अपील है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीरे हमारी मदद जी शुक्रिया मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वो पहले शख्स है वो पहले फर्द वाहिद है जो हमारे लिए फरिश्ता सिर्फ इंसान बनकर आए उन्होंने हमारे मामले को उठाया जबकि जब रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का ऐलान हुआ था तो उसमें बाकायदा तौर पर यह कहा गया था इंडिया की हुकूमत की तरफ से भारत की हुकूमत की तरफ से इन लड़कों से कि आप लोग बाइज्जत अपने वतन वापस आ जाएं और आप लोगों को आपकी बीवी बच्चों को हम लोग आने जाने की सहूलतें भी फ्राहम करेंगे इनको सिटीज़नशिप भी प्रोवाइड करेंगे लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम लोग यहाँ पर आए हमने मुख्तलिफ प्रोटेस्ट किए मुख्तलिफ दफातर में गए जिसने जहाँ पर कहा वहाँ पर हम लोग गए अपनी दरख्वास्त लेकर अपनी अपील लेकर के हमारी मांग पूरी करें हमें अपने वादे जो आपने हमारे साथ किए थे वो पूरे करें लेकिन वो वादे आज तक हमारे साथ पूरे नहीं किए गए देखें हम ख्वातीन मजबूर हैं आज कोरोना है लॉकडाउन है उसके बावजूद भी हम मजबूर हैं हम परेशान हैं इसीलिए हमें आना पड़ रहा है बार बार सड़कों पे आना पड़ रहा है इंडिया की हुकूमत से मोदी सरकार से हमें अपील करनी पड़ रही है कि खुदा का वास्ता आपको अपने भगवान का वास्ता कम अज़ कम हमारी मांग पूरी करें हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें देखें हमारे बच्चों के पास कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास मतलब अगर वो कहीं पढ़ने के लिए जाना चाहे तो कैसे जा सकते हैं बाहर के किसी कंट्री में जाना चाहे जब तक सिटीजनशिप नहीं होगी जब तक पासपोर्ट नहीं होगा तो हम किस बुनियाद पे जा सकते हैं हम कहीं जाना चाहें हम कहाँ जाएंगे जबकि हमारे पास कुछ है ही नहीं हमारे पास हमारी पहचान नहीं हमारे पास हमारा आधार नहीं हम जब भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं हमें कहा जाता है आप इलीगल हैं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख है उनका मुस्तकबिल क्या है वो कहीं जा नहीं सकते उनके पास कुछ भी नहीं है कोई पहचान ही नहीं है इसलिए हम आज आए हैं इंडिया के गवर्नमेंट से अपील करने आए हैं नरेंद्र मोदी से अपील करने आए हैं कि आप जो है नरेंद्र मोदी से हम अपील करने आए हैं कि आप हमें हमारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें हमारी सिटीजनशिप हमें दें हमारी पहचान हमें दें और बाकी जो जितने भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं उनसे भी हमारी अपील है कि आप हमारी मांगें पूरी करें और हम